चुनाव का कैंडिडेट चुना कैसे? ऐसे कि जैसे हमेशा से चुनते हैं कि ऊपर से जिसका मन आया थोड़े लोगों से पूछ लिया, ये ठीक रहेगा, ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, इसका अच्छा हो जाएगा, इसका बुरा हो जाएगा। मेरी पसंद ये है, ऐसे चुनना चाहिए कि जो बूथ पर मेरा वैभव, मेरा बूथ, तो जो वैभव लौटाने वाले लोग उनसे पूछ के चुनना चाहिए। सही बता, जीतू पटवारी का ये वीडियो बड़ा चर्चा का विषय बन गया है, या यूं कहूं कि पूरे मध्य प्रदेश में से वायरल वीडियो की तरह हो गया है ये वीडियो, और बीजेपी को मौका मिल गया है। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, ये बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर साझा किया। कौन बीजेपी नेता है मैं आपको बता दूं, नरेंद्र सलूजा बीजेपी के नेता, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया जीतू पटवारी का जो मैंने शुरू में दिखाया, और सवाल भी कर लिए। दरअसल जीतू पटवारी के इस वीडियो पर बीजेपी क्यों तंज कस रही है, इसको भी समझना जरूरी है। जो लिखा है सोशल मीडिया पर नरेंद्र सलूजा बीजेपी के नेता, उन्होंने वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि उनका कहना टिकट वितरण को लेकर था, तो टिकट वितरण को लेकर उन्होंने सीधे जीतू पटवारी पर तंज कसा। दरअसल जो वीडियो आपने देखा, जो साझा किया बीजेपी नेता ने, उस वीडियो के हिसाब से जीतू पटवारी जो कह रहे थे वो सच्चाई बता रहे थे एक तरीके से, कि भाई टिकट ऐसे मिलता था, वो गए थे बुधनी विधानसभा में, उपचुनाव होना है तो वहाँ तैयारी करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने ये कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि भैया जो कार्यकर्ता बूथ पे मेहनती होगा उसको टिकट मिलेगा, आला ऊपर से टिकट नहीं आएगा, तो इसी चीज़ को लेकर दरअसल तंज कसा। और जो सोशल मीडिया पर लिखा नरेंद्र सलूजा ने वीडियो को साझा करते हुए, वो लिखा कांग्रेस में टिकट वितरण कैसे होता है, कैसे कार्यकर्ताओं की राय के बगैर ऊपर से हमेशा से टिकट थोपा जाता है, उसकी पोल खोलते हुए खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, ये लिखा नरेंद्र सलूजा ने, वीडियो उन्होंने ही साझा किया। दरअसल हो सकता है भाई जीतू पटवारी सच बोल रहे हों और बेबाकी से बोल रहे हों, युवा अध्यक्ष हैं, मुखर अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने इसलिए कहा कि उन्होंने ये तो कहा है उस वीडियो में कम से कम कि भाई ऐसे टिकट मिलते रहे, यानी पुराने समय की उन्होंने याद दिलाई। अब नरेंद्र सलूजा ज़्यादा अच्छे से शायद जानते होंगे, कांग्रेस में रहे हैं, कि किस तरीके से टिकट मिलते हैं। तो खैर जो भी है, वीडियो में बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। जीतू पटवारी दरअसल इन दिनों बुधनी विधानसभा क्षेत्र में ताकत झोंक रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव होना है और उसको लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है। कांग्रेस तो तैयारी कर रही है, बीजेपी भी मौका नहीं छोड़ रही है। इस वीडियो को साझा किया और जीतू पटवारी पर ही सवाल उठा लिए। आप देखते रहें एमपी तक।